नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है मार्च 2022 में, यानी कि जीएसटी के पोर्टल के होम पेज पे रजिस्ट्रेशन में, रिटर्न्स में, रिफंड में नई फंक्शनलिटी ऐड की गई है। दोस्तों, यदि आप जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पे स्टेट टैक्स वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पे अब जो मणिपुर की वेबसाइट है उसे भी ऐड कर दिया गया है, और जो डिफरेंट अदर स्टेट्स की वेबसाइट है उन्हें भी आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं उनके हाइपरलिंक। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे जो दूसरा चेंज किया गया है वो है सर्च टैक्स पेयर से रिलेटेड। यहाँ पे आप टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर वाइज सर्च कर सकते थे या पैन वाइज, अब यहाँ पे टेम्परेरी आईडी वाइज भी आप टैक्स पेयर को सर्च कर पाएंगे। यहाँ पे आपको टेम्परेरी आईडी एंटर करना होगा टैक्स पेयर का, और यहाँ स्टेट सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर एंटर करके आप टैक्स पेयर को देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे टेम्परेरी आईडी एंटर करेंगे तो उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेरी आईडी किस ऑफिसर के द्वारा क्रिएट किया गया है, किस दिन क्रिएट किया गया है, और यहाँ पे लिंक दिया गया है, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल। आप और डिटेल इस टैक्स पेयर के यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ डिटेल में आप देख पाएंगे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जो टैक्स पेयर को दिया गया है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रीज़न क्या है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के, जैसे कि पेमेंट टैक्स पेयर के द्वारा डिफरेंट वर्क डिवीज़न से रिसीव की गई थी लेकिन जीएसटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की गई है, जेंडर भी होगा, डेट ऑफ बर्थ भी होगा यहाँ पे टैक्स पेयर का। इसके अलावा टैक्स पेयर का फादर नेम भी यहाँ पे मेंशन किया होगा, और एड्रेस ऑफ द पर्सन भी यहाँ पे मेंशन किया होगा। जो पैन होगा पर्सन का, उसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर आपको विजिबल होगा। इसी प्रकार मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो है वो आपको विजिबल होगा। इस प्रकार जीएसटी पोर्टल के होम पेज पे ये दो बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तो मणिपुर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे ऐड किया गया है, और दूसरा टेम्परेरी आईडी वाइज भी आप सर्च कर पाएंगे टैक्स पेयर को। इसके अलावा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, जो टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं टीसीएस के लिए, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करते हैं, उस केस में वो एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं यदि उनकी कैंसिलेशन हुई है उसकी रेवोकेशन के लिए REG 21 में। लेकिन वो ये तभी फाइल कर पाएंगे यदि उन्होंने आधार से ऑथेंटिकेशन कर दिया है, या फिर यदि उन्होंने आधार इनरोलमेंट आईडी सबमिट कर दिया है EKYC वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पे CMT2 फॉर्म को इनेबल किया गया था, यानी कि जो टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते थे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, वो 31 मार्च 2022 तक जीएसटी पोर्टल पर CMP2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके। सर्विसी टैब में जाके रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी में फाइलिंग फॉर्म GST CMP2। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पे चेंजेस किए गए हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए जो कि होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस में इंगेज होते हैं। जो नॉर्मल टैक्स पेयर जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और जो ITC फैसिलिटी को अवेल नहीं करते हैं, या जिनकी टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ तक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और रजिस्टर्ड है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सप्लाई कर रहे हैं सर्विस या मिक्स सप्लाई, और एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीज़ तक है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के टैक्स पेयर जो कि रेस्टोरेंट सर्विसेज में इंगेज्ड हैं वो पहले क्वार्टरली स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पा रहे थे CMP 8 में यदि उनकी टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड हो जा रही थी, क्योंकि इस केस में 1.5 करोड़ रुपीज़ तक यदि एग्रीगेट टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो अब इस इशू को रिजोल्व कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पर। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पे इंटीग्रेशन किया गया है MMI का, यानी कि मैप माई इंडिया एड्रेस फील्ड का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में। तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं जीएसटी पोर्टल पे उनके लिए ये फीचर इनेबल की गई है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कोर या फिर नॉन कोर अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करेगा एड्रेस में चेंज के लिए तो ये फीचर इनेबल की गई है। इस प्रकार अब आपको जियो कोडेड जो डेटा वो अवेलेबल होगा, यानी कि जैसे ही आप एड्रेस की डिटेल एंटर करेंगे तो ऑटो सजेशन एड्रेस के लिए आपको आएंगी। इस प्रकार अब एप्लीकेंट जो है ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर भी यूज़ कर सकता है। मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे पिन हेड होंगे, आपको अपनी लोकेशन को टैग करना होगा उस मैप पे। दोस्तों, GSTR 3B की फाइलिंग में भी चेंज किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें के बताया गया था कि
यदि GSTI-1 में सप्लायर इनवाइस या डेबी नोट अपलोड नहीं करता है तो टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। इस प्रकार जो GSTI-2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा वही GSTI-3B के टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट होगा। इस प्रकार सिस्टम बेस्ड जो वैलिडेशन दी गई थी कि 5% एक्स्ट्रा ITC टैक्स पेयर क्लेम कर सकता था उसे अब जीरो कर दिया गया है। इस प्रकार यदि आप GSTI-2B से ज़्यादा का ITC अवेल करेंगे तो उस केस में सिस्टम के द्वारा आपको वार्निंग मैसेज दिखाई देगा, लेकिन टैक्स पेयर फिर भी एडिटेड वैल्यूज़ के साथ GSTI-3B फाइल कर पाएंगे। अब टैक्स पेयर को पेमेंट लाइबिलिटी रेशियो डिस्प्ले की जाएगी और इसकी कैलकुलेशन भी डिस्प्ले की जाएगी और इसके लिए पेमेंट लिंक DRC-3 का प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों जैसे ही व्यक्ति GSTI-1 या IFF फाइल करता है उसके बेस पे उसकी टैक्स लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली GSTI-3B में आ जाती है। इसके अलावा GSTI-2B से जिस सप्लाई के ऊपर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत GST पे करना होता है इनवर्ड सप्लाई पे उसकी भी लाइबिलिटी आ जाती है। तो फंक्शनलिटी इनेबल की गई है ताकि टैक्स पेयर को लाइबिलिटी से पेमेंट रेशियो डिस्प्ले हो और इसकी कॉम्पिटिशन भी दिखाई देगी। इस प्रकार अब ये पता चलेगा कि टैक्स पेयर की एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है और उसने कितनी पे की है। इससे टैक्स पेयर का कॉम्प्लायंस बिहेवियर जो है वो पता लग जाएगा और उसे एक लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा DRC-3 के जरिए वो इसकी पेमेंट कर सकता है। दोस्तों इस फीचर को देखने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विसी में जाना है, रिटर्न में जाना है और यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन फीचर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेंगे और सर्च ऑप्शन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर की जो GSTI-1 में लाइबिलिटी रिपोर्ट की गई है और जो GSTI-3B में जिस पे टैक्स पे किया गया वो मैच कर रहा है और यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड जो है वो 100% आ रहा है। तो यदि किसी टैक्स पेयर ने यहाँ पे लाइबिलिटी पे नहीं की होगी तो यहाँ पे कम परसेंटेज आ रहा होगा तो उस केस में वो DRC-3 के जरिए यहाँ पे लिंक दिया गया है पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा MSME टैक्स पेयर लोन के लिए कंसेंट दे सकें इसके लिए फैसिलिटी को इनेबल किया गया है। फाइल रिटर्न के अंतर्गत ये फैसिलिटी इनेबल की गई है। रिटर्न्स के अंतर्गत टैक्स पेयर यानी कि MSME टैक्स पेयर अपनी कंसेंट दे सकते हैं। मुद्रा लोन 10 लाख रुपीज़ तक या MSME लोन अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक अवेल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विसी में जाना है, रिटर्न में जाके रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया गया है, इफ़ यू आर ए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज क्लिक हेयर टू सबमिट योर इंटरेस्ट फॉर अवेलिंग मुद्रा लोन अप टू 10 लाख और MSME लोन अप टू 5 करोड़ अंडर रिस्पेक्टिव लोन स्कीम्स। इसके अलावा GSTI-5 में चेंजेस किए गए हैं यानी कि प्रोसीड टू फाइल बटन को प्रोवाइड किया गया है और जो सबमिट बटन पहले होता था उसे रिमूव कर दिया गया है। GSTI-5 नो रेजिडेंट टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है। इसके अलावा GSTI-5 में इनवर्ट सप्लाई लाइबर फॉर RCM का जो टेबल है उसे भी इनेबल किया गया है। इसके अलावा ऑफलाइन यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है, TDS और TCS का जो क्रेडिट रिसीव होता है, एक एक्सेल बेस्ड TDS और TCS क्रेडिट रिसीट ऑफलाइन यूटिलिटी जो है वो अवेलेबल कराई गई है। GST पोर्टल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि TDS और TCS का क्रेडिट आप ऑफलाइन मोड के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अब जब GST पोर्टल पे यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है, TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड ऑफलाइन टूल। इसके द्वारा भी अब आप TDS और TCS का क्रेडिट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों क्वेरी ICGate फंक्शनलिटी में भी चेंजेस किए गए हैं। टैक्स पेयर यदि बिल ऑफ एंट्री डिटेल ICGate से फेच करता है इससे पहले के रिकॉर्ड शेयर किए जाएं ICGate के द्वारा GST पोर्टल के साथ उस केस में से एरर मैसेज दिखाई देता है, रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रोसेस्ड। इस एरर को रिड्यूस करने के लिए नया वैलिडेशन लगाया गया है यानी कि यदि बिल ऑफ एंट्री या रेफरेंस डेट T-4 से कम है यानी कि करंट डेट में से यदि 4 डेज लेस कर दें उससे कम है तो उस केस में टैक्स पेयर इस क्वेरी को रेज नहीं कर पाएगा ICGate पे। दोस्तों GST का रिफंड एप्लीकेशन यदि फाइल की जाती है तो उस केस में आपको जो मैसेज दिखाई देता है उसमें भी चेंज किया गया है यानी कि अब यदि टैक्स पेयर के द्वारा रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई है और वो टैक्स ऑफिसर के पास पेंडिंग है तो उस केस में आपको मैसेज दिखाई देगा, PMT-3 अंडरटेकिंग हैज़ बीन सबमिटेड, काइंडली वेट फॉर इश्यूएंस ऑफ PMT-3 बाय टैक्स ऑफिसर फॉर रिक्रेडिटिंग द अमाउंट टू कैश
ओब्लिक रेडी लेजर इफ एप्लीकेबल। दोस्तों आप इन चेंजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।